बस क्या हाल है जी आपके? ठीक है। अच्छा आज बेटा हम जो आज के लेसन में इमला सीखेंगे। इमला क्या होती है? मुश्किल अल्फाज को लिखना। आप बड़ी आसानी से लफ्ज़ बनाते रहे हैं ना, तो अब आपने वो लफ्ज़ बनाने कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, पहला लफ्ज़ हम लिखते हैं। पहला इमला का लफ्ज़ है जैसे बोल। देखिए कैसे लिखेंगे। बे का सिरा, आपने सिरों को जहन में रखना है। बे का सिरा, बे के साथ वाओ, उसका गोल हिस्सा लाकर उसकी लाइन पर यहाँ रोकना है, इसे नीचे नहीं लेके जाने। बे का एक नुक्ता और लाम पूरा लिखा जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, उर्दू राइटिंग का असूल है कि आखिरी लफ्ज़ पूरा लिखा जाता है। बोल, बे व बोल, लाम बोल। अगला लफ्ज़ है दादी। देखें, दाल ऐसे थोड़ी सी राउंड लाकर रे पर झटके से रोक दे। दाल के आगे अलिफ, दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, फिर दा दी बनाना है ना, तो दाल अगेन और छोटी ये पूरी ऐसे, दाल अलिफ दा, दाल छोटी ये दी, दादी। अगला लफ्ज़ हम लिखते हैं चाबी। देखिए, चे का सिरा, चे का सिरा आपने लिखा है यहाँ तक और इसी के ऊपर आएगा अलिफ। चे का सिरा तब बनेगा जब हम उसके तीन नुक्ते लगाएंगे, एक दो तीन, चे अलिफ चा। अब बे का सिरा ये देख ले और इसके साथ छोटी ये चाबी, बे छोटी ये बी, चाबी। लिखेंगे दाने, दाल ऐसे और लाइन पर झटके से ला के छोड़ दें। दाल अलिफ दा, फिर नून का सिरा और इसके साथ बड़ी ये नून, बड़ी ये ने, दाने। आगे हम लिखेंगे नानी, नून का सिरा और इसके ऊपर अलिफ, नून अलिफ ना, फिर नून का सिरा और इसके साथ छोटी ये नी, नानी। को इमला के अल्फाज सिखाए हैं आपने, इनकी बार बार बेटा प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से और फिर मैंने आपका आपसे इसका टेस्ट लेना है। अच्छा, इसके अलावा आपको एक अच्छी सी बात बताऊं कि जब हमने खाना खाने से पहले की और ये तो आपने सीख लिया, अब आप कुछ पानी के असूल की, जब हमने पानी पीना होता तो क्या करते हैं? सबसे पहले हमने गिलास को धोना होता है, थोड़े से पानी से गिलास को धो लें। धोने के बाद आपने उसमें उतना पानी लेना है जितना आपको प्यास है, ज़ाया नहीं करना। और फिर आपने क्या पढ़ना है, फिर आपने बैठ जाना है, खड़े होकर पानी नहीं पीना, बैठ कर और दुआ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर आपने तीन सांस में पानी पीना है, एक सांस में गटागट पानी नहीं पीना। ठीक है, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।